बसमीम मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान स्टॉक चेंज छोटे स्टॉक्स लेकिन प्रॉफिट बड़ा आज हम आपके साथ कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स भी, भी प्रेफ शेयर करेंगे जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिस्क पे अंडर कंट्रोल है ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में है क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हजरा प्रेफर uh, करते हैं वैल्यू अगर कम हो स्टॉक्स की तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एक दो या तीन रुपये का मार्जिन काफ़ी मार्जिन होता है नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और यूं भी हम देखते हैं कि तमाम हर दिन जो टॉप फाइव या टेन वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें सत्तर अस्सी परसेंट स्टॉक्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर नमाया रहते हैं हर दिन आज भी जैसे आप देखें सी एनर्जी वर्ल्ड कॉल टॉप लिस्ट पर शामिल रहे इसके साथ इलेक्ट्रिक और यूनिटी फूड्स यूनिटी फूड्स में आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा एक रैली देखी गई ये वो सिनेरियो स्नैरियो है जबकि दूसरे स्टॉक्स भी हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे जिनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाजार चूँकि रिएक्ट कर रहा है कल की उस डिवेलपमेंट पर जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख दी बेला आखिर उसने दे दी हालांकि तखीर की उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइम है नबे दिन का उसमें इलेक्शन को होल्ड करने में वो नाकाम नज़र आया लेकिन दो महीने की तारीख तखीर के बाद जनवरी के अख्ताम पर जिसने के अनसर्टनिटी को जो गैर यकीनी की फिज़ा थी स्टॉक मार्केट हो करंसी मार्केट हो या ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी हो उसको थोड़ा सा कम किया है ट्रांज़िशन जो कि पावर की ट्रांजिशन है जो मौजूदा केयर टेकर से जब अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आएगी जो कि मजीद फैसले करेगी इकानमी के और तमाम इशूज़ के जो कि इकानमी से जुड़े हुए हैं तो उस डवेलपमेंट को काफ़ी बेहतर तरीके से सरमाकारों ने और मार्केट ने लिया और हमारी तो भी ऐसी थी पॉजिटिव ट्रिगर आया वॉलीम्स में बेहतरी देखी गई और वॉल्यूम्स के साथ साथ आज जो ताकत का तोज़न है उसमें भी बेहतरी देखी गई आ, ताकत के तोज़न में जब बाजार पूरी तैयारी में है छियालीस हज़ार दो सौ तीन सौ पॉइंट्स को ब्रेक कर गया अब अगला लेवल जो कि क्वाइट एविडेंट है बिल्कुल क्लियर है सैंतालीस हज़ार एक सौ पैंतालीस पॉइंट्स की सतह उसको हिट करने की पूरी तैयारी में अब वॉलीम्स में आज इजाफा देखा गया Uh, 28 परसेंट के करीब 26 करोड़ और 78 लाख शेयर्स का काम बाज़ार ने दिखाया आठ अशारिया आठ अरब रुपये की टोटल मालियत रही इन स्टॉक्स की इन वॉल्यूम्स की uh, कल हमने 20 करोड़ और चौनानवे लाख शेयर्स का काम बाज़ार में देखा जिसकी मालियत सात अशारिया एक अरब रुपया थी कुल आज तीन सौ उन्नीस स्टॉक्स में ट्रेड हुआ जबकि आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज उसमें इजाफ़ा देखा गया एक लाख छब्बीस हज़ार नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं उससे भी ज़ायद की कल जहाँ पर तीन स्टॉक्स में ट्रेड था और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स तिरानवे हज़ार की थी आज के 319 स्टॉक्स की जहाँ पर ट्रेडिंग हुई एक सौ स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा पचानवे की कीमतों में कमी और स्ट्राइस स्टॉक्स आज मुस्तकम पाए गए वीक ओवर वीक बेसिस पर इस आउट गोइंग वीक में जिसका कि आज आखिरी दिन था हंड एंड में लगभग छः पॉइंट्स की इजाफा देखा गया और पिछले हफ्ते जहाँ पर हमने दो पॉइंट्स की गिरावट वीक देखी थी नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहा और हंड्रेड एक्स छियालीस हज़ार चार सौ इक्कीस पॉइंट्स की सतह पर पहुँच कर बंद हुआ इस आउट गोइंग वीक में अब हम बात करेंगे आ, कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स पर जिनकी वैल्यू कम है जहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक चेंज यानी कि पी एकस, जो कि दो से ढाई रुपये का मार्जिन लिए हुए है मौजूदा लेवल्स के ऊपर पी आई बी टी एल उसमें भी डेढ़ से दो रुपये का मार्जिन है रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है अस्क्री बैंक सत्रह uh, से अठारह रुपये का टारगेट दिखा सकता है पंद्रह पच्चीस आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की एस जी एफ तैंतीस रुपये उन्नीस पैसे की क्लोजिंग रही लेकिन स्टॉक छत्तीस सेन्तीस रुपये का एक टारगेट हिट कर सकता है दूसरी तरफ अमरीदी स्टील्स इक्कीस से बाईस रुपये की पोटेंशियल लिए हुए है uh, गनी वैल्यू ग्लास चौरानवे परसेंट बोनस एक्स होने के बाद काफ़ी हफ्ते स्टॉक में कंसोलिडेशन पैटर्न रहा और अब एक तैयारी है एक छोटी रैली की जो कि पैंतालीस रुपये की सतह पर हो सकती है आज स्टॉक की क्लोजिंग लगभग पैंतीस रुपये की है दस रुपये का मार्जिन काफ़ी रिस्क अंडर कंट्रोल है ए जी पी फार्मा इक्यावन रुपये पंद्रह पैसे क्लोज रहा स्टॉक और साठ इकसठ रुपये का मार्जिन स्टॉक में मौजूद है हाई नून लेबार्ट्रीज़ तीन सौ नब्बे से चारौ रुपये का टारगेट हो सकता है स्टॉक में मिजान बैंक एक सौ सत्रह रुपये से नीचे बंद हुआ एक सौ अट्ठाईस एक सौ सत्ताइस या एक सौ उनतीस रुपये की सतह तक स्टॉक में अपसर्द देखने को मिल सकता है एंग्रो कॉरपोरेशन दो सौ पैंतालीस रुपये पचास पैसे की सतह पर क्लोजिंग रही स्टॉक की हालांकि इंटरडे दो सौ चालीस रुपये को स्टॉक ने लोअर साइड पर हिट किया कारोबार का अख्ताम उसने ज़बरदस्त रिकवरी के साथ किया एक कैंगू टेल काइंड ऑफ टेल छोड़ गया पीछे जो कि एक 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 किस्म की बाउंस बैक की तैयारी की कोशिश है दो सौ उनहत्तर दो सौ अड़सठ या दो सौ सत्तर रुपये का टारगेट स्टॉक जरूर रखे हुए है Uh, तो इस वक्त मार्केट uh, में जो रुझान है वो बिल्कुल सिलेक्टिव रहेगा और चंद अब स्टॉक्स जो कि कल की परफॉर्मेंस थी अक्रॉस द बोर्ड हमने रेली देखी वो थोड़ा सा सुखड़ता हुआ नज़र आया सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस रही तमाम सीमेंट स्टॉक्स और uh, में हमने आज गिरावट देखी और ये वो वजह है uh, कि आज जो परफार्मेंस है वो काफ़ी uh, पहला हाफ़ काफ़ी मुख्तलफ था आज के दूसरे हाफ़ से जहाँ पर पहले हाफ में हंड्रेड एक्स ने थोड़ा वोलाटाइल तरीके से बिहेव किया बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और यही वो वजह रही कि वो स्टॉक्स आज लैग कर गए जो कि कल परफॉर्म कर रहे थे तो अब आने वाले दिनों में हम तो करेंगे कि ये सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में जारी रहेगी मंडे को एक बार फिर आप से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज्त के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए खुदा हाफ